भी पढ़ा हुआ है, जी सर। हुमा और अरशद आपने पढ़ा हुआ है? नो सर, मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन थ्योरी, और हमने शुरू से जो बात कर रहे थे कि वेन एवर पीपल शेयर समथिंग ऑन सोशल मीडिया दैट हैज़ सम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उसी वजह से वो चीज़ डिफ्यूज़ करती है और वो नेटवर्क के अंदर प्रोपेगेट करती है, लोग उसको शेयर करते हैं उसके ऊपर और सोशली उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं बिकॉज दैट कॉन्टेंट हैज़ सम वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अब हमारे लिए एज कंप्यूटर साइंटिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है और कितनी क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन है। सो बेसिकली वी वांट टू कट थिंग्स डाउन इनटू नंबर्स ताकि हम आसानी से जस्टिफाई कर सकें और आसानी से एवेल्यूएट कर सकें कि कौन से मैसेज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उसको क्वान्टिफाई करेंगे। वो लोग और बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन की जो अमाउंट है ये हम जो लोग मैसेजेस करते हैं, शेयर ट्वीट्स करते हैं, कमेंट करते हैं, वहीं से हमें पता चलेगी। सो दैट्स व्हाई यू नीड सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग। आप में से वो लोग जिन्होंने टेक्स्ट प्रोसेसिंग अभी नहीं कवर की, सो फॉर देम यू मे थिंक ऑफ सम इंफॉर्मेशन एज अ सिंबल, लेकिन अगर आप वो लेक्चर्स कवर कर लें, आई हैव देम रिकॉर्डेड, तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आपने जो कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट उसको कैसे इवेल्यूएट करना है और फिर उसमें से इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। सो अभी जो हम बात करेंगे वी वुड स्ट्रेट अवे रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ताकि जिन्होंने टेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं पढ़ी इट विल बी जस्ट द सेम फॉर ऑल ऑफ यू, और बाद में अगर आप उन वीडियोज़ को देख लें सो आपके लिए ये रिलेटिवली आसान हो जाएगा जस्ट टू विजुअलाइज के टेक्स्ट में से हम ये इन्फॉर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, तो स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? स्लाइड शेयर किए हैं। जी सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, इन्फॉर्मेशन थ्योरी जो है इस पे जो पाइनियरिंग काम है वो शैनन का है, विच स्टार्टेड इन 1948 एंड ही इंट्रोड्यूस द की कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड इट विद अनसर्टेनिटी। तो अब इन्फॉर्मेशन को अनसर्टेनिटी के साथ एसोसिएट करने का क्या मतलब है कि हमें जितनी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी उतनी उस चीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। इन द कमिंग स्लाइड वी वुड लुक इनटू द डिफरेंट सिनारियोज़ के जिसमें हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी का लेवल जो है वो क्या है। सो बेसिकली शैनन ने इन्फॉर्मेशन की क्वांटिटी को एसोसिएट कर दिया है अनसर्टेनिटी के साथ। द मोर यू आर अनसर्टन अबाउट समथिंग एंड दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड द मोर वी हैव द वैल्यू ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अगर कोई चीज़ प्रिडिक्टेबल है उसकी एंट्रोपी और या उसकी अनसर्टेनिटी कम होगी, सो इन दैट केस इफ समवन गिव्स यू दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट विल नॉट बी ऑफ दैट वैल्यू फॉर यू। उसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि अगर आपको आज कोई बता दे कि कल से BRT सर्विस बंद हो रही है, सो दैट इज़ गोइंग टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। और अगर आपको कोई कहे कि कल को आपको इतना कोर्स का लेक्चर है, सो उसमें आपको दोनों में करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास की गई है, लेकिन जो दूसरा है उसमें इन्फॉर्मेशन की वर्थ जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। वो इस वजह से लिमिटेड है बिकॉज अनसर्टेनिटी उस केस में कम थी। इट वॉज ऑलरेडी वेल अंडरस्टूड, इट वॉज ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल, इट वॉज एज्यूम्ड के ये काम होगा, तो उस केस में इन्फॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो कम थी। इन केसेस वेयर अनसर्टेनिटी इज हाई, वेयर सम वेरी अनसर्टेन इवेंट ऑकर्स, सो वी या सम अनसर्टेन इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, सो जनरली वी कंसिडर के द क्वान्टिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज हाई इन दैट मैसेज। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस हाउ इन्फॉर्मेशन इज डेटा मैसेजेस कैन बी कंप्रेस्ड, कम्युनिकेटेड, प्रोसेस्ड एंड रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नॉइजी चैनल्स। सो शैनन की जो इन्फॉर्मेशन की थ्योरी है इसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया गया है कॉम्पैक्ट मेमोरी में मैसेजेस को स्टोर करने के लिए, मैसेजेस को वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कम्युनिकेट करने के लिए। सो दिस थ्योरी हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट एरियाज, पर्टिकुलरली वी आर इंटरेस्टेड इन द
इन एवेल्यूएटिंग अ मैसेज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इट हैज़। ठीक है, और जैसे हमने बात की कि ये सारी चीज़ें इसमें हम क्यों इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज अगर मैं आपको कोई कहूँ कि अभी के हमारी लाइब्रेरी के अंदर 10,000 बुक्स हैं, सो दिस मैसेज हैज़ गॉट सम इंफॉर्मेशन, और फिर आपको ये कहा जाए कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 700 या 800 स्टूडेंट्स हैं, सो दिस इज़ अगेन अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि किसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है? सो बेसिकली वी ह्यूमंस मे एवेल्यूएट बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, बट इट्स वेरी हार्ड टू कम टू क्रिस्प नंबर्स ताकि हम डायरेक्टली एवेल्यूएट कर सकें कि मैसेज वन के अंदर मैसेज टू की नस्बत 0.3 या 0.4 ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। हम चाहते हैं कि नंबर्स में ये चीज़ हमारे पास आए कि इसके अंदर 4 इन्फॉर्मेशन है, दूसरे के अंदर 3 है, एंड दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 1। हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं ताकि हमारे लिए इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट करना आसान हो जाए। दीज आर द डिफरेंट अदर एप्लीकेशन एरियाज, जैसे मैंने आपको बात की कि जिसके अंदर सेम जो शैनन की इंफॉर्मेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो यूज हो चुका है। तो दिस इज़ अगेन जस्ट टू रिफ्रेश व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, कि आप थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट वी मीन बाय इंफॉर्मेशन। सो यू आर प्रेजेंटेड विद टू सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन सेज देयर इज़ अ ट्रैफिक जैम ऑन I-5। सो I-5 कोई जो है कोई रूट है, कोई कोई जो है नंबर है किसी किसी ट्रैक का, किसी एक्सप्रेसवे का, सो दैट हैज़ गॉट अ ट्रैफिक जैम, सो ऑब्वियसली दिस message has got some information. But then we have another message and that says there is a traffic jam on I-5 near exit 234. So hamare paas ye do messages hain, which one has more information? Second one sir. Achha, second one kis base pe? Sir, kyunki usme information zyada accurate di hui hai, near exit 234 bhi add kar diya usme maine. Exactly, ye information zyada specific hai, to ye aapki needs ko zyada target tarike se address karega. Lekin hamare liye ab basically humne is problem ko samajhne ke liye ye example yahan pe place ki hai ki hum to samajh gaye ki dono pieces mein information equal nahi hai, one message has more information as compared to the other. अब यहाँ तक हमारा मसला, हमने तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोवाइड देयर टू कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम्स, के वो भी इस चीज़ को एवेल्यूएट करे कि मैसेज टू हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू वन। एंड देन एज वी सेड अर्लियर, हम फिर इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे कि एग्जैक्टली कितने मार्जिन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। सो वन वेरी वेरी सिंपल क्राइटेरिया कुड बी the number of letters that we have. A general perception would be ki jitna ek message lamba hoga utna uske andar zyada information hogi, although this is not like completely true, lekin at least hamare paas kuch basis to aa gaya na. Hum basically wahi chahte the ki hamare paas kuch basis aaye ki jiske upar hum cheezon ko quantify kare. So although this may not always be true, lekin this is at least a criteria, not a good criteria, but we have got a criteria that would help us to quantify the amount of information that we have in a message. So the first message has 22 letters and the second has got 33 letters. So ab hum dekh sakte hain ki message 2 has got 1/3 more information as compared to message 1. Theek hai, by the quantity of 1/3 iske andar 33% zyada information hai, to humne kya kiya, चीज़ों मैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको क्वांटिफाई किया, और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी क्वांटिफाई हो गया। सो ऑल्दो हमारा जो मैकेनिज्म है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, उसके अंदर बहुत फ्लॉज हैं, देख के नॉट ऑलवेज बी ट्रू कि सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से ही हम इंफॉर्मेशन को जज नहीं कर सकते, एक छोटे से मैसेज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वी हैव 2 or 3 पेजेस और उसके अंदर कोई ऐसी काम की चीज़ ना हो जो वाकई हमें हमारे लिए इंफॉर्मेशन की वैल्यू रखती हो। So, as we said, this criteria is not one of the best, lekin at least we have got a criteria, aur hamara jo maqsad hai wo usse pura ho raha hai. Hum ek message ke andar information ko bhi quantify kar rahe hain, aur hum multiple messages ke beech mein jo difference hai ki is ye jo message 1 hai iske andar 33% kam information hai, message 2 ke andar 33% zyada information hai, so we are quantifying everything which is the goal jo hamara start ke time pe jisko hum target kar rahe the.
बट नाउ वी वुड वॉन्ट टू इम्प्रूव ऑन दिस क्राइटेरिया, और हम चाहेंगे कि चीज़ों को क्वान्टिफाई करें एग्जैक्टली इसी तरह से, लेकिन कुछ बेहतर मैकेनिज्म यूज़ करें जिसको फूल करना मुश्किल हो, जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बेहतर सोल्यूशन दे. तो लेट्स कंसिडर अनदर फिनोमिनन टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन. लेट्स से वी वॉन्ट टू गेस अ नंबर, ठीक है, और वो नंबर जो है वो वन से लेके एन तक है. सो इन योर ओपिनियन वॉट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन विच वी कुड गेस दैट नंबर. लेट्स से एन इज फोर, तो फोर यानी वन टू थ्री फोर, इन चार में से कोई नंबर किसी ने गेस किया है, वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन विच यू कैन गेट टू द राइट नंबर. अच्छा, टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू मैं ये बता दूं कि आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं या बाइनरी जैसे वो रूल अप्लाई कर सकते हैं कि इज दैट नंबर ग्रेटर देन थ्री, इज दैट नंबर लेस देन टू, या आप ये कर सकते हैं कि वो वन टू में से है या थ्री फोर में से. सो आप ग्रुपिंग कर सकते हैं या कोई कंडीशन लगा सकते हैं. तो फोर डिजिट्स को मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे टू आइडेंटिफाई दैट नंबर? टू. टू, एग्जैक्टली. आपने लेट्स से ग्रुपिंग करनी है तो आप एक ग्रुप में वन टू रख लें, दूसरे में थ्री फोर रख लें. सो इफ़ द यूज़र सेज इट्स इन द सेकंड ग्रुप, तो अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा कि या वो थ्री होगा या फोर होगा. सो इट मींस के टू इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट्स इन विच यू कैन गेट टू द राइट नंबर इफ द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स दैट यू कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम आर फोर. ठीक है, तो n की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी ये चीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी, आपके नंबर ऑफ मिनिमम अटेम्प्ट्स भी बढ़ते जाएंगे. हम इसको बाइनरी ट्री की तरह भी देख सकते हैं कि लेट्स से मैंने फोर में से वो देखना है, तो आई जस्ट फाइंड द मिड वैल्यू. फोर में हमारे पास मिड वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट, तो हम टू या थ्री में से कोई एक यूज़ कर लें. इज दैट वैल्यू लेस देन टू, तो इफ़ इट इज़ येस तो हमारा नंबर ऑब्वियसली वन आ गया. इफ़ दैट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टू, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी इज़ इट लेस देन थ्री और ग्रेटर देन थ्री, और फिर उसमें वो या थ्री हो जाएगा या फोर हो जाएगा. तो अगर आपके पास इस तरह से n नंबर है वेयर n में बी अ वेरी लार्ज नंबर, तो आप n की जो मिड वैल्यू है n बाई टू, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि इज इट ग्रेटर देन और लेस देन दिस नंबर, और फिर आप उसको हाफ करेंगे उसको हाफ करेंगे. दैट वे यू वुड अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम लाइक अ बाइनरी ट्री, एंड इस तरह से आप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जो है, हाफ ऑफ द नंबर जो मिनिमम नंबर है, दैट वुड बी ऑलमोस्ट हाफ टू द टोटल नंबर्स जिसमें से आप गेस कर सकते हैं. तो अगेन ये सारी कहानी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमने बात की शुरू में, इंफॉर्मेशन को हमने एसोसिएट किया अनसर्टेनिटी के साथ, ठीक है. तो अनसर्टेनिटी के साथ जब हमने एसोसिएट किया, तो आपने जब चार में से एक नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो उसके साथ अनसर्टेनिटी का फैक्टर कम होगा. इट मीन्स के चारों नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.25 है. जितना अगर आपने 10 में से एक नंबर पिक करना है, उसको प्रिडिक्ट करना है, तो आपके पास अब एक नंबर के करेक्ट, आपके जो गेस है उसको करेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो 0.25 से चले गए 0.1 पे. तो इट हैज़ मोर अनसर्टेनिटी. सो द मोर अनसर्टेनिटी यू हैव, द मोर इंफॉर्मेशन वी बिलीव इट इज़. तो अगर आपको कोई बता दे कि द नंबर दैट आई हैव गेस्ट आउट ऑफ 10 इज 7, सो दैट हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू द फैक्ट कि वो आपको कहे कि द नंबर दैट आई हैव गेस्ट फ्रॉम 1 टू 4 इज 2 और 3. अच्छा, देर इज अनदर सिनेरियो दैट इज ऑफ अ फेक कॉइन. ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है. ये शायद आपने और कहीं और जगह पे भी ये चीज़ सुनी हो कि हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, वन ऑफ देम इज़ फेक. ठीक है, फेक कॉइन को पहचानने का ज़रिया क्या है? दैट कॉइन इज़ लाइटर देन द अदर कॉइन्स. ठीक है, बाकी शेप वाइज कलर वाइज एग्जैक्टली सेम है, इट्स लाइटर इन वेट. ठीक है, आपके पास एक तराजू है एंड यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई दैट फेक कॉइन. ठीक है, तो अगेन कितने अटेम्प्ट्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इज़ जी?
हेलो। जी सर, ये सोच। यस सर। अच्छा, तो ये अगेन उसी तरह की एक बाइनरी डिसीजन की तरह का प्रॉब्लम है कि आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं आप दोनों को दो हाफ में स्प्लिट करके तराजू की दोनों तरफ रखते, तो जो साइड लाइटर होगा उन्हीं के अंदर एक फेक कॉइन है, तो आप दूसरी साइड हटा के फिर इनको हाफ करें, फिर अगेन द प्रोसेस इज गोइंग टू रिपीट और आप n/2 टाइम्स में आप फेक कॉइन तक पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है सो इन दैट केस यू मे गेट टू द फेक कॉइन इन अ सिंगल अटेम्प्ट, बिकॉज आपने दो कॉइन्स तराजू पे डाले एंड तीसरा कॉइन आपके पास वैसे पड़ा हुआ है। अगर दो बराबर हुए द वन दैट इज नॉट ऑन द बैलेंस वो फेक कॉइन है, और इनमें से अगर एक लाइटर है सो दैट इज द फेक कॉइन। वी हैव अनदर सिनारियो दैट इज एसोसिएटेड विद गेसिंग अ नंबर अ लेटर इन दिस केस। ठीक, तो आपके पास एक वर्ड है, आपने वो गेम आपने खेली होगी जिसमें यू हैव टू प्रिडिक्ट अ वर्ड। ठीक है, किसी ने कोई वर्ड जो है वो सोचा हुआ है और आपने उस वर्ड को गेस करना है। तो इन दैट केस लेट से एक वर्ड जो है वो आपने गेस करना है, एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आप सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं कि यू वॉन्ट टू गेस द फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो वी हैव अ टोटल ऑफ 26 लेटर्स, और जैसे मैंने आपको बात की कि इफ़ यू कीप ऑन अप्लाइंग दैट बाइनरी रूल और आप उसको कॉन्टिन्यूसली स्प्लिट करते जाएं सो इन दैट केस आपका जो टोटल जो अटेम्प्ट्स हैं वो 4.7 है, विच कम्स फ्रॉम लॉग टू द बेस 2 ऑफ 26। 26 हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास टू चॉइस है कि वो या होगा या नहीं होगा पहला लेटर। सो इन दैट केस आप 4 या 5 अटेम्प्ट्स में आप पहुंच जाएंगे कि वो कैरेक्टर जो है वो पहला कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, वाई 4 और 5 यहाँ पे हमारे पास, एंड देट वुड बी द केस कि हमारे पास अगर हम हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दें कि देट मे बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड देट द अदर पर्सन इज गेसिंग। ठीक है, बट इफ वी अप्लाई सम स्टेटिस्टिक्स, सो हम अगर डिक्शनरी को एवेल्यूएट कर लें बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ लेटर्स दैट आर बीइंग द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, तो वी वुड सी कि हर वर्ड जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स कि इफ़ यू अप्लाई सम मोर नॉलेज दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू ड्रॉप, एंड इन दैट केस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। आपके पास सर्टेनिटी कम, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इवेल्यूएट करें कि वट आर द चांसेज के ए जो है दैट ऑकर्स एज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारे वर्ड्स जो हैं जिसमें ए पहला कैरेक्टर है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी, और हमारे पास एक काउंट आ जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, बी सी सबके लिए करेंगे। सो यू वुड फाइंड आउट के सारे वर्ड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, सो सबके चांसेस बराबर नहीं है कि आप अभी करंटली यू आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट लेटर, सो सब इक्वल प्लेयर्स नहीं है, द प्रॉबिलिटी इज डिफरेंट। सो इफ यू कंसिडर दैट ऑल्सो दिस प्रोसेस कैन एक्चुअली फर्दर रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू मे नीड टू गेट टू दैट लेटर। जनरली इट इज़ ऑब्जर्व्ड के दो लेटर्स जो हैं एक्स और जेड दे आर द लीस्ट इन बींग द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, तो अगर आप इनको अवॉइड करें तो इट मीन्स के 97% ऑफ द टाइम्स यू आर गोइंग टू टू बी करेक्ट। 3% ऑफ द टाइम्स देर इज अ पॉसिबिलिटी के एक्स या जेड जो है द कैरेक्टर दैट यू एक्सक्लूडेड वर एक्चुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से अगर हम ये प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करें सो वी कैन बेसिकली इम्प्रूव आवर चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू द एग्जैक्ट नंबर बाय और द एग्जैक्ट लेटर इन दिस केस बाय इन द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यहाँ पे इन्होंने नीचे जो टेक्निक बताई है, ऑल्दो दिस मे नॉट बी द ओनली अप्रोच, आप और भी वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक्स और जेड जो है द कैरेक्टर्स दैट आर लीस्ट प्रोबेबल टू बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड, उनको कंबाइन करके एक ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, विच मीन्स के ये सिंबल अगर आ गया सो दिस इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्स एंड जेड।
तो अब आप इंस्टेड ऑफ आउट ऑफ 25 आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप 26 नहीं कर रहे, बल्कि आप आउट ऑफ 25 कर रहे हैं, बिकॉज आपने एक्स और जेड को कंबाइन कर दिया है, उनकी दोनों के चांसेस इतने कम थे कि आपने उनको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। सो दिस वे यू कैन एक्चुअली रिड्यूस ऑन द नंबर ऑफ ऑप्शन दैट यू हैव एंड दैट इज गोइंग टू मेक इट ईजियर। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे रोक दें फिर। What is information? So we have another definition by Hartley in this case, in which every symbol of a message has a choice of S possibilities. So yahan pe he has presented this idea ke hamare paas har symbol jo hai uske L possibilities hain. So that means ke we can represent this in the form of a logarithm where the amount of information is the log of S L. और यहाँ पे और वी कैन से एल लॉग ऑफ एस, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन अ मैसेज, ठीक है। एल जो है वो लेंथ है और एस जो है वो पॉसिबल सिंबल्स हैं फॉर ईच वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम नंबर्स, कोई नंबर्स में मैसेज है तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या होगी, एस वुड बी 10, क्योंकि नंबर्स में आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज हैं फॉर ईच सिम्बल, या वो 0 हो सकता है या 1, 2, up till 9, और जितनी उसकी लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी एल। अगर आपका मैसेज जो है वो कैरेक्टर्स में है, टेक्स्ट में है, और उसमें जो है और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है, लेट्स से इट जस्ट हैज द 26 कैरेक्टर्स, सो इन दैट केस हर लेटर जो है दैट कैन दैट कुड बी वन ऑफ द 26 लेटर्स, सो एस की वैल्यू जो है वो 26 होगी एंड एल इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द मैसेज। So this is another way of quantifying information. There are some more approaches presented which are actually better than the ones that we discussed. Hum thoda se earlier approaches se humne start liya just to understand the nature of the problem. So the ones that are presented later are rather more meaningful in understanding the amount of information that we have or quantifying it. So hum aage inko discuss karenge in rather more detail. So first one of them is entropy. Entropy jo hai, who would explain entropy? Loss jo hota hai sir. Ji? Loss jo hota hai. Loss? Loss ki terms mein bhi use hota hai sir entropy. Achha, shayad. So what is entropy? Agar aap loss ke terms mein bata dein. सर जैसे कि वो न्यूरल नेटवर्क में हम वो करते हैं लॉस कैलकुलेट करते हैं ग्रेडिएंट का, तो आखिर में हमारे पास कोई एरर आ जाता है उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। अच्छा, उसका मुझे आइडिया नहीं है। और कोई एंट्रोपी का आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा? एंट्रोपी की पहली इंट्रोडक्शन तो हमारे साथ वहाँ पे होती है। आपको अगर याद हो, आई थिंक वी मैट्रिक एफएससी में एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फिजिक्स एज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। अच्छा, कि जितना आप ऑर्डर ख़राब करते हैं, रैंडमनेस जितनी इंट्रोड्यूस होती है उतना जो है दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एंट्रोपी। और आगे वहाँ पे ये बताया गया था कि दिस प्रोसेस इज़ इररिवर्सिबल, हम नेचर के अंदर जो चीज़ों को हम ख़राब कर रहे हैं दैट इज़ एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस बट वी कैन नॉट गेट इट बैक टू वेयर इट वॉज। और एंट्रोपी बेसिकली ये है कि हम ये डिसऑर्डर जो है ये किस रेशो से फैला रहे हैं। उस टाइम पे आई थिंक एक एक्सपेरिमेंट भी था इसका कि एक जार के अंदर कुछ सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया जाता सेपरेटली एंड देन यू वुड बी आस्क्ड टू शेक दैट जार, और आप उसको शेक करते तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते एंड दैट मिक्सचर वुड बेसिकली बी द एंट्रोपी, द रैंडमनेस, द अनसर्टेनिटी। कि अब अगर आप एक ग्रेन उठाओगे व्हाट आर द चांसेस कि वो सॉल्ट का होगा या पेपर का होगा, देर इज़ वेरी हाई अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल एंट्रोपी। यहाँ पे एंट्रोपी जो है दैट इज़ बेसिकली अगेन रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी, तो इस वजह से वहाँ से बात शुरू की के यहाँ पे भी एंट्रोपी का मकसद जो है वो अनसर्टेनिटीज़ के साथ इसका ताल्लुक है कि जितनी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है
वो कम या ज़्यादा होगी, उतनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी कम होगी, उतनी उसकी एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, ये मैथमेटिकल इवेल्यूएशन यहाँ पे फार्मूला है एंट्रोपी का। लेट्स स्किप दिस फॉर अ वाइल, और यहाँ पे एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, इट्स नॉट देयर। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू शो यू इज एंट्रोपी जो है इट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टास्क। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि व्हेन वी हैव टू डू समथिंग तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू हैव अ वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल आप अगर एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं एंड दैट कॉइन इज कम्प्लीटली अनबायस्ड, बिल्कुल जो है स्ट्रक्चर उसका ऐसा है कि किसी साइड को फेवर नहीं कर रहा, फ्लैट कॉइन है, तो इन दैट केस हेड्स और टेल्स के आने के चांसेस जो हैं वो 50-50 हैं। ठीक है, सो दे बोथ हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5। तो जब दो टास्क हों प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो भी 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स जो है वो भी 0.5 है। तो व्हाट डज दिस मीन? हाईएस्ट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। हम बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली क्या आउटकम आएगा इस फ्लिप ऑफ द कॉइन का। तो इट मीन्स के अनसर्टेनिटी इज मैक्सिमम व्हिच इम्प्लाइज दैट entropy is also going to be maximum for this particular scenario. ठीक है, so in situations where we have let's say this is the probability along x-axis and along y-axis we have got entropy. तो अगर हमारे पास किसी टास्क है, लेट्स से हम सिर्फ हेड्स को देखते हैं, तो अगर हेड्स की प्रोबेबिलिटी जो है, क्योंकि ये दोनों जो है इंटरडिपेंडेबल है, तो वो हमें हम किसी एक को ले सकते हैं, तो अगर हेड्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टेल्स की प्रोबेबिलिटी वन होगी। सो व्हाट डज दिस इंप्लाइज? यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी अलॉन्ग वाई एक्सिस? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स और टेल्स इज जीरो, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी वन होगी, क्योंकि वी हैव दिस फॉर्मूला where probability of any one event plus probability of not that event. ठीक है, हम इसको हम टेल्स को नॉट हेड्स कह देते हैं, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन। तो अगर हेड्स की probability जीरो है तो टेल्स की probability वन होगी। वट इज द एंट्रोपी इन एट दैट पॉइंट? जी अच्छा, अगर हेड्स की प्रोबेबिलिटी जीरो है यहाँ पे, तो एंट्रोपी की वैल्यू इस पॉइंट पे जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि हम जी ठीक है सर, क्योंकि हमने एंट्रोपी को एसोसिएट किया हुआ है अनसर्टेनिटी के साथ। किसी चीज की अगर होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है या वन है, तो देट इज नॉट अनसर्टेनिटी। वी आर वेरी सर्टेन कि ये काम होगा इन केस ऑफ वन, वी आर वेरी सर्टेन कि ये काम नहीं होगा इन केस ऑफ जीरो। तो अगर हेड्स की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो हम 100% श्योर हैं, वी आर सर्टेन के हेड्स नहीं आएगा। इन अदर वर्ड वी आर सर्टेन के टेल्स आएगा। सो एट दिस लेवल द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज मिनिमम। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। अगर कॉइन जो है वो थोड़ा सा जो है, बल्कि थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाइस्ड है टूवर्ड हेड्स, ठीक है, उसकी शेप किसी ने तोड़ मरोड़ के ऐसे कर दी है,
के हेड्स के आने के चांसेस 0.9 है और टेल्स के आने के चांसेस जो हैं वो 0.1 है। अब एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी? हेड की वैल्यू क्या होगी सर? 0.9 0.9, द इवेंट इज वेरी मच इन फेवर ऑफ हेड। हेड से सर 0.9। तो बेसिकली इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी लो एंट्रोपी वैल्यू, क्योंकि हमने जो बात की थी कि एंट्रोपी इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी, तो अगेन इसके अंदर अनसर्टेनिटी थोड़ी सी तो आ गई है। जो ये वाला सिनेरियो हम कंसिडर कर रहे थे इन विच दिस वॉज 0 एंड दिस वॉज 1, उससे थोड़ी सी यहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, बट स्टिल इट्स वेरी लो। ज़्यादा सबको पता है कि हेड आएगा बिकॉज द कॉइन इज ऑफ सच स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एंट्रोपी की थोड़ी सी कोई वैल्यू आएगी। एट पॉइंट वेयर वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.5, ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0.5। एट दिस लेवल वी आर गोइंग टू हैव द हाइएस्ट एंट्रोपी ऑफ 1। अनसर्टेनिटी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई है। एंड देन अगेन एज वी स्टार्ट एज द एंट्रोपी of head increase after 0.5, the uncertainty is going to drop again, and when it the probability of head has gone to 1, at that point we have entropy equal to 0 again. ठीक है जी, हेलो, यस सर। तो एंट्रोपी की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी एट मैक्सिमम, जब आपके पास अनसर्टेनिटी हाईएस्ट लेवल पे हो, एट द फ्लिप ऑफ अ कॉइन हमारे पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो है वो इस स्टेज पे होगी जब हमारे पास दोनों के चांसेस इक्वल हों। सो एट दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू हैव मैक्सिमम वैल्यू फॉर एंट्रोपी। अगर हम जीरो की तरफ जा रहे हैं तो दूसरा वन के करीब जाएगा, या एक वन के करीब जाएगा तो दूसरा जीरो के करीब जाएगा। इन बोथ केसेस द एंट्रोपी इज गोइंग टू ड्रॉप, क्योंकि अगर एक इवेंट के होने के चांसेस ज़्यादा हैं या ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इन बोथ केसेस इट्स वेरी सर्टेन कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा। इन बोथ द केसेस एंट्रोपी इज गोइंग टू ड्रॉप। अच्छा, सो दिस इज़ वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग एंट्रोपी। हमारे पास जैसे हमने बात की थी डिफरेंट ये जो पी आई है, लेट से हमारे पास ये अगर हम एक टेक्स्ट का मैसेज देख लें तो ईच वर्ड इज़ गोइंग टू बी एन इवेंट और अ टास्क, जो हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं उस मैसेज के अंदर, या अगर ये कोई टास्क है कोई और इस तरह के कोई और एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ईच एक्टिविटी, जैसे हमने फ्लिप ऑफ द कॉइन की एग्जाम्पल ली, कैरेक्टर को प्रिडिक्ट करने की एग्जाम्पल ली, सो एनी थिंग दैट इज़ बींग डन एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमारे पास एन टाइम्स हमने एन पीसेस में इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, एंड देन वी हैव कंबाइंड इट टुगेदर टू गेट अ सिंगल वैल्यू एज द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कंप्लीट मैसेज। सो पी आई जो है, आई वन जो है, ये टास्क वन, अगर आप कॉइन फ्लिप की एग्जांपल ले लें तो ये फर्स्ट फ्लिप के लिए तो एंट्रोपी निकालेगा, फिर दूसरे के लिए, तो तीसरे के लिए। लेट से वी हैव फ्लिप द कॉइन 10 टाइम्स, सो we are applying summation for i equal to 1 to n, so हम सब की entropies को मिला के वो पूरी जो हमारी sequence of activities है उसकी combined entropy हो जाएगी। If we have a text message तो हमारे पास ये process repeat होगा for all the words, हर word की अपनी एक probability होगी और उसके बेस पे हम सारे message की जो entropy है वो calculate कर सकते हैं। ठीक है जी, ये टेक्स्ट मैसेजेस है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगेन वी हैव एन एग्जांपल के हमारे पास एक इवेंट है, एक टास्क है, एक वर्ड है, ए जो है उसके लेट से हमारे पास एक टोटल वोकैबुलरी जो है वो ए बी सी डी ई है, हमारे पास ये टोटल पॉसिबल वर्ड्स हैं। तो अगर इस तरह का कोई मैसेज आ जाए तो ए के मैसेज का पार्ट होने के चांसेस जो थे वो 0.5 था, बी का 0.2, 0.1 और सी डी एंड ई।
सो द टोटल एंट्रोपी उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जस्ट यूजिंग द फार्मूला दैट वी हैव ओवर हियर, हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे और दैट इज गोइंग टू गिव अस दिस वैल्यू ऑफ 1.9. सो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी है इंफॉर्मेशन की दैट वी हैव इन दिस मैसेज, इसके अंदर ये पांच सिंबल्स यूज हुए हैं, वी हैव क्वांटिफाइड इट और इसकी वैल्यू जो है वो 1.9 है. ये फार्मूले के अंदर नेगेटिव साइन जो है वो वैसे ही ऐड किया गया है बिकॉज जनरली लॉग वैल्यूज रिजल्ट इन नेगेटिव वैल्यूज, सो इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी नेगेटिव. इस वजह से हमने फार्मूले के अंदर ये नेगेटिव साइन कर दिया ताकि वो एंड पे सारी चीज़ को पॉजिटिव कर दें. अच्छा तो ये जैसे हमने बात की कि अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी लो है या हाई है, इन बोथ केसेस द अनसर्टेनिटी इज गोइंग टू बी लो. अनसर्टेनिटी इज गोइंग टू बी हाई व्हेनेवर वी हैव अ वेरी क्लोज मैच बिटवीन द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ अ टास्क. ठीक है, जितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उनके बीच में जितना क्लोज टाई होगा, जितनी भी उनके बीच में चांसेस बराबर होंगे उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी. तो नाउ लेट्स एसोसिएट एंट्रोपी. असल में हम अभी हमने थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर दिया है विद बाय इंट्रोड्यूसिंग एंट्रोपी कि हम इसके थ्रू इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करें. तो ये जो है हमारे लिए थोड़ा सा जो है बेहतर अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू द वन दैट वी वर यूजिंग अर्लियर, बट स्टिल इट मे नॉट बी अ वेरी गुड अप्रोच. अच्छा, ये प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज कहाँ से आ सकती हैं? तो आप किसी एग्जिस्टिंग पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड ये काम कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई और क्राइटेरिया, जैसे हमें कॉइन के बारे में पता था कि द कॉइन इज इन फेवर ऑफ हेड्स, तो हम वहाँ से डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे. अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि आपके पास पास्ट में जितने मैसेजेस हैं उसमें ए कितनी बार रिपीट हुआ है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन दैट इन द कमिंग मैसेज, के नए मैसेज में ए के होने के चांसेस कितने हैं. एग्जिस्टिंग डेटा सेट में बी कितनी बार रिपीट हुआ, दैट इज गोइंग टू गिव यू द प्रोबेबिलिटी के नए मैसेज में बी के चांसेस कितने हैं. ठीक, तो इस तरह से हम ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो यहाँ पे यूज हुई हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है जी. यस सर. अच्छा, तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे वी आर डीलिंग विद ईच वर्ड इंडिविजुअली. ठीक है, हम हर वर्ड को सेपरेटली टैकल कर रहे हैं और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंटली इवेल्यूएट कर रहे हैं और आखिर में सम अप कर रहे हैं दैट गिव अस द टोटल इंफॉर्मेशन कंटेंड इन दैट मैसेज. बट दिस मे नॉट अगेन बी अ गुड अप्रोच बिकॉज वी जनरली हैव इंफॉर्मेशन दैट इज डिपेंडेंट अमंग द डिफरेंट पीसेज ऑफ सिंबल्स दैट वी हैव इन अ मैसेज. ठीक है, सो लेट्स से अगेन इफ वी हैव दिस सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग सेंटेंसेज एंड देन सेंटेंसेज फॉर्मिंग paragraphs and paragraphs forming documents. So let's say हमने predict करना है कि किसी particular location में इस पूरे segment के अंदर किसी particular word के meet होने के chances कितने हैं, किसी particular word के the होने के chances कितने हैं, unicorn होने के chances कितने हैं. So again हम क्या करेंगे, we would just look into historic data, हम past में जो dead documents है उनको evaluate करेंगे कि meet के probability क्या है, टोटल मैसेजेस कितने हैं उनमें से कितने में मीट रिपीट हुआ, टोटल मैसेजेस कितने हैं उसमें द कितनी दफ़ा आया, यूनिकॉर्न कितनी दफ़ा आया, दे आर गोइंग टू गिव अस द प्रोबेबिलिटीज और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नए मैसेज में मीट के होने के चांसेस कितने हैं. ये बेसिकली यहाँ पे जो हम चीज़ों को थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, ये इसमें जो मेन जो डिफरेंस है बेस्ड ऑन द अप्रोचेस दैट वी कवर्ड अप टिल दिस पॉइंट, हमने जो शुरू में काउंट ऑफ वर्ड्स की बात की, एंट्रोपी की बात की, उन सब से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक इसके डिफरेंट हो रहा है कि इंफॉर्मेशन की जो हमने अभी तक बात की वो एंट्रोपी की और काउंट ऑफ वर्ड्स, दैट मेंट के एक मैसेज के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है दैट इंफॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि मैंने यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर 1.9 इंफॉर्मेशन की वैल्यू जो है वैल्यूएट किया कि दिस मैसेज हैज गॉट इंफॉर्मेशन ऑफ 1.9, तो दिस मीन्स कि ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीवन एंड फॉर ऑल सिनेरियोस. तो हमने यहाँ पे ट्रीट किया है इंफॉर्मेशन को, जब हम क्वांटिफाई कर रहे थे कि इसकी एक यूनिवर्सल वैल्यू होगी फॉर ईच मैसेज, यहाँ पे हमने जो ये वर्ड काउंट वाले और ये सारे अप्रोचेज यूज किए
इन सब में भी हम इंफॉर्मेशन को एक कांस्टेंट या एक स्टेबल वैल्यू के तौर पर डील कर रहे थे, बट दैट मे नॉट ऑलवेज बी द केस। अगर मैं और आप एक वक्त में एक मैसेज को रीड करें, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बोथ ऑफ अस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वो मेरे लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन रखती है, आपके लिए डिफरेंट रखती है, विच मीन्स के और पास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। जितना मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा, अगर आप मुझे उससे रिलेटेड कोई मैसेज देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ लोअर वैल्यू फॉर मी, क्योंकि बिकॉज ऑफ हैविंग मोर बैकग्राउंड नॉलेज आई वुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर, और उस वजह से मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल शायद ना हो। फॉर अनदर पर्सन इफ दैट इज़ अ डिफरेंट डोमेन, सो फॉर दैट पर्सन इफ द बैकग्राउंड इज़न्ट देयर, दैट मैसेज वुड बी वेरी मच इंफॉर्मेटिव। तो इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेंड में ऑल्सो बी डिफरेंट, सो देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ अगर चीज़ों को रिलेट करें, सो दैट मीन्स के इफ़ यू लुक इनटू द पास्ट मैसेजेस और व्हाट वी ऑलरेडी नो इन द फॉर्म ऑफ द मैसेजेस दैट वी हैव प्रीवियसली रिसीव्ड, वी कैन क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, हम उसको एक तरह से कंपेरेटिव तरीके से देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव रिसीव्ड हाउ मच इंफॉर्मेशन दिस न्यू मैसेज हैज गॉट। ठीक है, इससे पहले जितनी अप्रोचेस हम यूज़ कर रहे थे, वी वर डायरेक्टली इवेल्यूएटिंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव इन दैट मैसेज, और हम कोई जो है पास्ट या कुछ चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे थे, और उस केस में इंफॉर्मेशन की सब के लिए एक ही वैल्यू आ रही थी। So why does this make sense? Because again यहाँ पे we have repeated those examples of heads and tails, के अगर हमें already पता है कि the coin is in favor of heads, so the information, the amount of information, अगर आपको कोई कहे कि the next flip of the coin is going to give you heads, and you already know के the coin is in favor of heads, so that message, the amount of information that message has is going to drop. So this is basically the main concept. Achha, and then we also have this phenomenon of self-information. ठीक है? In case of self-information, again this is another formula with which we can identify इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी मैसेज के अंदर कितनी है। सो अगेन यू कैन जस्ट इटरेट थ्रू ऑल द सिंबल्स दैट एन इवेंट हैज गॉट, और उसको अगर आप वन ओवर प्रोबेबिलिटी के साथ लॉग ले लें, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव फॉर दैट पर्टिकुलर मैसेज, फॉर दैट पर्टिकुलर सिंबल ऑफ दैट मैसेज, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू एड इट अप फॉर ऑल द सिंबल्स दैट यू हैव इन दैट मैसेज। तो जिस तरह से हमने entropy का formula देखा, this is another way of representing that that message information in each symbol, और ये भी अगर आप देख सकते हैं कि this is also working independently of the background। ठीक है, so इस formula से भी अगर आप information पे evaluate करेंगे, you are going to get a value that holds for all type of scenarios। और ये उसकी justification है कि if the probability of an event is 1, so हम log दे रहे थे 1 of probability का, so 1 over 1 is going to give you log of 1 which is 0, so that means के we already know इस event की probability जो थी वो 1 थी, which means uncertainty बिल्कुल नहीं थी, so in that case you receive the value of 0 as the amount of information that it has। अगर equal chances थे 0.5, and in that case somebody told you that it's going to be head and it is actually head, so in that case the amount of information is 1 because you were completely uncertain ke kaun sa dono mein se kaun sa aayega। So this again jo basics hain wo ye formula bhi hold karta hai, aur in dono ke beech mein jo bhi value hogi that is going to result in a value between 0 and 1, so entropy aur entropy bhi aapko 0 aur 1 ke beech mein hi a value provide karte hai, so they both justify or fulfill the basic requirement, so they can be used for evaluating the amount of information in a message। Acha, and this is basically
combining this is another approach that combines the probability with the amount of information that we have got. So aapke paas information ki jo value hai wo yahan se aa jayegi, and then you can multiply it with the probability of that event. So basically information kitni aa rahi hai aur aap usko probability ke sath multiply bhi kar rahe hain. So in that case you are basically yahan pe probability jo hai it's playing the role of weight. Agar hum yahan pe dekhen to अगर हम इस फार्मूले के साथ इंफॉर्मेशन को इवेल्यूएट करें तो ये हमें एक सिंबल के लिए इंफॉर्मेशन देगा, एंड देन एज वी डिड अर्लियर हम एड अप कर लेंगे फॉर ऑल द सिंबल्स टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर अ मैसेज. लेकिन हम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, हम एंट्रोपी के केस में भी जो कर रहे थे यहाँ पे ओके इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो हैविंग वेट्स. ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है यहाँ पे यूज़ हो रही है. सो दिस इज बेसिकली दिस मेक टू अप्रोच द आइडेंटिकल के हम अगर यहाँ पे इसके साथ ये वेट्स मल्टीप्लाई करें सो दैट इज गोइंग टू बी इनफैक्ट इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई एच. सो दैट इज गोइंग टू मेक इट इक्विवेलेंट टू द एंट्रोपी बेस्ड अप्रोच जो हम पहले यूज़ कर रहे थे. ठीक है, सो एंट्रोपी बेस्ड अप्रोच में हम प्रोबेबिलिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, वेयर प्रोबेबिलिटी वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ वेट्स. कि जितनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आप उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा वेट एसोसिएट उसके साथ कर रहे हैं. सो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इवेल्युएटेड प्लस मल्टीप्लाइड विद द वेट ऑफ दैट सिंबल, और उसको हम एड अप करेंगे फॉर ऑल द सिंबल्स, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन इन दैट मैसेज. एंट्रोपी के फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ है, और हम अगर इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करें सो वी कैन सेपरेटली मल्टीप्लाई इट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. ठीक है जी. जी ठीक है सर. अच्छा, तो यहाँ पे जो हमने बात की के लेट्स से कि हमने अगेन वही प्रॉब्लम है हमारा कि हमने प्रिडिक्ट करना है कि इस नए मैसेज के अंदर कोई किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे एक वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है. वी हैव टू प्रिडिक्ट दैट वर्ड. ठीक है, तो अगर वो वर्ड आपको कोई बता दे सो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिसीव्ड. ठीक है, तो अगर हम देखें कि लेट्स से हमारे पास टोटल जो वोकैबुलरी है दैट इज जस्ट दीज थ्री वर्ड्स मीट द एंड यूनिकॉर्न, इनके अलावा कोई वर्ड नहीं हो सकता. तो इन दैट केस कितने चांसेस हैं कि वो वर्ड द होगा. काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि द जो है इट्स जनरली द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि ये जो अननोन वर्ड है जो अभी हमें नहीं पता कि ये द हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है. इनफैक्ट इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू वन. सो इफ समवन टोल्ड यू के इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन द वर्ड दैट वी हैव इज द, सो इन दैट केस द एंट्रोपी और द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिसीव्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, विच मीन इट्स अ वेरी लो वैल्यू. सो बेसिकली इफ एन इवेंट इज नोन टू हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी, तो उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे दे सो दैट इजंट एक्चुअली ऑफ दैट वैल्यू, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन क्वांटिटी है दैट इज वेरी लो. अच्छा, बट एज वी सेड के इंफॉर्मेशन जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर मैसेज के अंदर है उसके अंदर जो सिम्बल्स हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर. सो वट इफ वी नो सम पार्ट्स ऑफ द मैसेज, और वट इफ वी नो द प्रीवियस मैसेज, तो हम उसकी बेस पे नए मैसेज के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स से कि वी ऑलरेडी नो दैट द प्रीवियस मैसेज और अ पार्ट ऑफ द करंट मैसेज हैज गॉट द वर्ड ईट्स. तो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, हमें कितना पता चल रहा है कि अगेन इफ वी हैव द थ्री पॉसिबिलिटीज के अगला वर्ड जो है और द अनसीन वर्ड दैट वी आर प्रिडिक्टिंग कैन आइदर बी मीट द और यूनिकॉर्न. सो अब उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा व्हेन वी नो के वन ऑफ द वर्ड और द वर्ड बिफोर दैट वर्ड इज ईट्स. ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पे ये जो ईट्स है, ये जो मैं आपको शुरू अभी बता रहा था कि वी आर गोइंग टू चेंज दिस इनटू अ रिलेटिव थिंग इन विच एवरीवन इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड दैट दे हैव. तो यहाँ पे ईट्स जो है इट्स बेसिकली प्लेइंग द रोल ऑफ अ बैकग्राउंड. अगर हमें पता है इफ समवन नोज, अगर दो लोग हैं और एक को पता है कि वन ऑफ द वर्ड इन द
इन द मैसेज इज ईट्स, तो उससे हमें अगले वर्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हमारे पास अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इट मीन्स के द इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस न्यू वर्ड, और उस केस में इट हैज़न्ट रिड्यूस्ड द एंट्रोपी। और अगर मी ईट्स से हमें ये मसला हल करने में हेल्प मिल रही है, हमारे लिए वो अगला वर्ड है वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिल रही है, तो इट मीन्स के ईट्स इज वेरी मच रिलेटेड टू डेट, और हर केस में हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज है डेट इज बेसिकली हेल्पिंग अस रिड्यूस एंट्रोपी टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव गॉट दिस डेटा सेट डेट हैज गॉट डिफरेंट सेंटेंसेस, तो अब अगर हमें पता है कि दिस न्यू मैसेज हैज गॉट द वर्ड ईट्स, तो व्हाट डज इट सेज अबाउट कैट, व्हाट डज इट सेज अबाउट डॉग, फिश, टर्की, मीट, so it means that these words are very much related to eats and they frequently occur in close vicinity of the word eats. ठीक है, उसके साथ surrounding में frequently occur कर रहे हैं, so that means that this word has got a relationship with the word eats, or if we know about eats, so we can basically identify the other words. So eats in this case, the thing that you know is your background knowledge, and based on its relevance with the new word, it's going to drop in entropy. अगर relevance कम है तो entropy पर फर्क नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा। If this word is very much related to the next word, entropy पर काफी फर्क पड़ेगा। So now we are basically calculating conditional entropy. हमारे पास इससे पहले जो formula था entropy का, हम entropy से अब move कर रहे हैं conditional entropy पे। तो यहाँ पे आप देखें कि what is the probability of x meet equal to zero, which means के chances क्या है कि अगला word जो है वो meet ना हो, considering that the current word is eats, which is eats is equal to one. So basically हम देख रहे हैं कि probability जो है वो meet की zero या ना होने की कितनी है, और उसके होने या one होने की probability कितनी है, considering that we have the word eats. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि eats के होने से meet पे कितना फ़र्क पड़ता है। So again we have to consult the historic messages that we have got. So हम basically देखेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारे पास एक message के अंदर eats था and then meet was also there in the same message. तो अगर इन दोनों के बीच में हमें एक strong correlation का पता चल गया, so in that case eats is going to tell us more about meat because of their previous relationship. So if 90% of the times eats occurs with meat, so now we are going to be very certain, or we are going to be to say with very high probability that the next word is meat, kyunki humne past mein uski unki relationship evaluate ki hai. So the more dependable they are, the more probable the next word is going to be, and in that case the entropy is going to ड्रॉप। तो हमें बेसिकली क्या हुआ, हमें जो ईट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी डेट वॉज वेरी वैल्यूएबल इन फाइंडिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड विच इज मीट, और उससे हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हुई। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एच ऑफ एक्स जो है दिस इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द होल प्रॉब्लम, द एंट्रोपी और द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द करंट सिनेरियो। हमें कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे सिचुएशन जो है आउटकम क्या आ सकता है। सो एस एक्स इज सम इवेंट, और उसके बीच उसके बारे में जो अनसर्टेनिटी है दैट इज़ गोइंग टू हैव अ वैल्यू। जब हमें वाई का पता चल गया विच इज़ रिलेटेड टू एक्स, तो उससे क्या होगा, नाउ वी आर हैविंग सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्स। जो यहाँ पे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी इनिशियली ऑफ द प्रॉब्लम, जब हमें वाई का पता चल गया तो उससे दो चांसेस होंगे। Either the probability of x is going to move in one direction, या वो जीरो की तरफ जाएगा या वन की तरफ, in other words entropy is going to drop, और वो उस केस में होगा कि हमारे पास y का x के साथ strong relationship हो। ठीक है, अगर y और x के बीच में positive relationship है, ठीक है, तो y के होने से x की probability बढ़ जाएगी और उस केस में entropy नीचे चली जाएगी। अगर y और x के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी यहाँ पे हमने जब पास्ट में सारे मैसेजेस देखे,
सो वी फाउंड आउट टू हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईट्स एंड नीड्स. इन केस अगर ऐसा है कि ईट्स भी 100-200 दफ़ा आया है डेटा सेट में, नीड्स भी आया है, बट दे नेवर को ऑकर टूगेदर. सो इट मीन्स दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप. इन दैट केस if we know about ईट्स, so we are going to be certain ke meet nahi aayega because they have a negative relationship. To agar humne negative relationship identify kar liya hai to us case mein y ke hone se x ki probability kafi kam ho jayegi, and in that case also the entropy is going to drop. So y ke hone se x ki probability badhti hai ya kam hoti hai, in both the cases the entropy is going to drop, kyunki humne yahan pe ye jo drop kiya hai, we have seen ke hamare paas प्रोबेबिलिटी इस रीजन में आ रही हो, मतलब कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, इन बोथ सिनेरियोस द एंट्रोपी ड्रॉप्स. एंट्रोपी इज ओनली एट मैक्सिमम व्हेन वी आर कम्प्लीटली अनसर्टेन. अच्छा, इन सिचुएशन वेयर एक्स एंड वाई आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये भी हो सकता है कि हमें एक चीज़ का पता है जिसका उस इवेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि टमोरो इज गोइंग टू बी थर्सडे, और कल आपने बारिश प्रिडिक्ट करनी है, तो थर्सडे हैज गॉट नथिंग टू डू विद रेन टुमारो. तो इस वजह से यू हैव सम इंफॉर्मेशन विच इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इवेंट दैट यू आर प्रिडिक्टिंग. उस केस में क्या होगा, जब वाई और एक्स इंडिपेंडेंट होंगे, आपस में कोई इनका रेलिवेंस नहीं होगा, इन दैट केस आपको अगर वाई का पता चल भी जाए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एंड देयरफॉर द एंट्रोपी इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन द सेम. तो अगर y और x आपस में रिलेशन कोई है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दैट केस द एंट्रोपी इज गोइंग टू ड्रॉप. कैन यू नो अबाउट y, उसकी जो ओरिजिनल एंट्रोपी थी वो जब आपको y के बारे में पता चल गया, दैट इज गोइंग टू ड्रॉप. और अगर ये इंडिपेंडेंट है, y का x के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन दैट केस नोइंग अबाउट y इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एंट्रोपी, और उस केस में ये सेम रहेगा. तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि the information about y is either going to result in decreasing the entropy or keeping it at the same point. Lekin entropy reverse nahi ho sakti, kisi nayi cheez ke bare mein pata chalne se aapke paas entropy badh nahi sakti, it's only going to drop. Theek hai, this is what we have in the mathematical evaluation of this formula also, ki entropy ya to same level pe rahegi. Agar aapke paas let's say aapne ye predict karna hai ki नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसमें कौन सी पार्टी जो है गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बनाएगी, तो इफ एट दिस पॉइंट वी हैव कम्प्लीटली नो आइडिया, सो इट मीन्स द एंट्रोपी इज 0.5, एंट्रोपी इज 1, ऑल द पार्टीज आर हैविंग इक्वल चांसेस. और फिर जैसे जैसे आपको और इनसाइट इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, आप और डेटा कलेक्ट करते जाते हैं, इनसाइट्स कलेक्ट करते जाते हैं, तो जितनी नई चीज़ आपको पता चलती है, इफ़ दैट इज रिलेटेड सो दैट इज गोइंग टू ड्रॉप योर एंट्रोपी, और अगर वो रिलेटेड नहीं है, सो इन दैट केस दैट इंफॉर्मेशन वाज यूजलेस, इट डिड नॉट अफेक्ट द एंट्रोपी. तो एंट्रोपी या सेम लेवल पर रहेगी या नीचे जाएगी, कम होगी ईच टाइम यू फाइंड अबाउट अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो विद एवरी वाई नोन, दैट इज गोइंग टू बी द केस. तो नाउ, तो इस वजह से हमारे जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो यहाँ पे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है. कि इफ़ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नॉलेज, सो द करंट इवेंट इज़ गोइंग टू बी ऑफ लो अनसर्टेनिटी फॉर यू, उसकी सर्टेनिटी ज़्यादा होगी, तो अनसर्टेनिटी या एंट्रोपी की वैल्यू उसकी कम होगी. इफ़ यू हैव लो बैकग्राउंड नॉलेज, इन दैट केस द इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज इज गोइंग टू बी हाई, उसकी एंट्रोपी की वैल्यू हाई होगी. तो इट मीन्स के जो बैकग्राउंड नॉलेज है, वट यू ऑलरेडी हैव और वट यू ऑलरेडी नो इज ऑल्सो ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस. तो अगर हम उसको ऐसे इस तरह से देखें कि लेट्स से वी हैव गॉट दिस सिचुएशन वेयर वी नो अबाउट द, दैट दिस मैसेज हैज गॉट द वर्ड द, सो हाउ हेल्पफुल इट इज़ टू प्रिडिक्ट दैट द नेक्स्ट वर्ड और सम वर्ड इन द मैसेज इज मीट. जी, what would be the kind of relationship between the and meet? Yes sir. Meet और the के बारे में relationship क्या होगी इस scenario में?
जी हेलो इफ्तिखार, नो आइडिया सर। अच्छा देखें, अभी अभी हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि विद ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव दैट इज गोइंग टू इफेक्ट हाउ सर्टन यू आर अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। तो आपके पास पास्ट में बहुत सारे आपने आर्टिकल्स पढ़े एंड इन दोज आर्टिकल्स कुछ द भी कुछ दफ़ा आया, नीट भी आया, तो यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दीज वर्ड्स ऑकर। सो नाउ यू हैव गॉट अ न्यू मैसेज। आपको पता है कि उस मैसेज के अंदर द जो है वर्ड वो आया हुआ है। व्हाट आर द चांसेस कि उसके अंदर मीट होगा? ये जो द है, ये जो आपको पता है कि ये उस मैसेज के अंदर है, हाउ हेल्पफुल इट इज़ टू प्रिडिक्ट कि उस मैसेज के अंदर मीट का वर्ड आएगा। सर ये तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा सर, विद्या में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप वैसे अंदाज़ा आपका क्या है कि आपने जितने मैसेजेस, यानी आपने लेट से कोई मैसेज रखा, आपके पास 100,000 मैसेजेस हैं, तो जनरल ट्रेंड आपको क्या लग रहा है? सर कम ही होगा। कम होगा। द इज हार्डली गोइंग टू बी एनी हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग कि अगला वर्ड जो है वो मीट है, बिकॉज जिससे यस हमें सर। ये पता चलता है कि द इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीट। द बहुत दफ़ा डॉक्यूमेंट्स में आया जब उनके अंदर मीट था, और दो बहुत दफ़ा आया जब उसके अंदर मीट नहीं था, विच मीन्स कि वो वैसे ही काफ़ी रिपीट हो रहा है। सो द वर्ड द हैज़ गॉट नो एसोसिएशन विद द वर्ड मीट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इन दैट केस इफ यू नो दैट द मैसेज हैज़ गॉट द वर्ड द, इट्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ड मीट एंड देयर फोर इट डज़ नॉट हेल्प के मीट उसके अंदर होगा कि नहीं होगा। सो द पास्ट इंफॉर्मेशन इज नॉट हेल्पफुल, इट्स नॉट डिक्रीजिंग द एंट्रॉपी, और द एंट्रॉपी इज रिड्यूस्ड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल मार्जिन। यस सर। अच्छा अगर हमें पता चल जाए कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर ईट्स का वर्ड है, सो नाउ ईट्स वी कैन एज्यूम, ऑल्दो वी कैन नॉट हैव द हिस्टोरिक मैसेजेस, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ईट्स हैज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद मीट। और इस तरह से अगर हमें ईट्स का पता चल जाए, सो मीट के बारे में जो प्रोबेबिलिटी पहले थी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है मिड वैल्यू से, सो इट मींस के हमारी एंट्रॉपी जो है वो कम हुई है, क्योंकि आइदर वे आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो रही है या ज़्यादा, एंट्रॉपी इज गोइंग टू रिड्यूस। तो हमें अब ईट्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द वर्ड मीट, सो दैट इज गोइंग टू कॉज ड्रॉप इन एंट्रॉपी बाय अ रीजनेबल मार्जिन। अच्छा देर आर सम प्रॉपर्टीज अबाउट दीज वैल्यूज ऑल्सो, एंड अगेन यूजिंग दिस वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ये बताएगा कि हमारा पास्ट नॉलेज कितना हेल्पफुल है। तो बिफोर वी गेट इनटू दिस फार्मूला, द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन फार्मूला इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो आप गेन कर रहे हैं, जैसे हमने बात की कि एंट्रॉपी के अंदर या तो कमी आएगी या नहीं आएगी, एंट्रॉपी कभी बढ़ नहीं सकती। सो द सेम वे द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गेन फ्रॉम ईच न्यू मैसेज इज आइदर गोइंग टू ऐड टू योर नॉलेज और इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली सेंसलेस, बेसलेस, और आप उसको इग्नोर कर देंगे। सो योर नॉलेज इज गोइंग टू स्टे एट द सेम लेवल, सो द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, जो या तो इंक्रीज करेगा या सेम पॉइंट पर रहेगा। इंफॉर्मेशन इज रिवर्सेबल बिटवीन वॉट वी हैव बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितना एक्स आपके लिए हेल्पफुल है टू नो अबाउट वाई, जैसे हमने ईट और मीट की एग्जाम्पल को देखा, द सेम वे दे आर द वाई इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल बाई द सेम अमाउंट टू टेल यू अबाउट एक्स। जैसे हमने ईट्स के थ्रू मीट की प्रॉबिलिटी हमें पता चला कि वो कम हुई है, सो जस्ट बिकॉज वी नो के बात के ओल्डर डॉक्यूमेंट्स में ईट और मीट एक दफ़ा एक साथ आए हैं, सो इफ़ वी नो द वर्ड मीट, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल बाई द सेम अमाउंट टू प्रिडिक्ट द वर्ड ईट, ठीक है। सो द प्रोसेस इज रिवर्सेबल बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड लास्टली इफ वी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी जीरो इफ एक्स एंड वाई आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे हमें अभी हमने बात की कि अगर हमें वाई का पता है और हमने एक्स प्रिडिक्ट करना है, या एक्स का पता है और वाई प्रिडिक्ट करना है, एंड दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, सो इन दैट केस नोइंग अबाउट एक्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प टूवर्ड्स वाई।
and knowing about why is not going to be helpful towards X. So the amount of information that you gain by knowing something beforehand is going to be helpless or not helpful in that particular scenario. So this is the formula that we have for mutual information. That is basically telling you कि आपको किसी चीज़ के पता चलने से कितना आपको information कितनी मिली. So we can identify or we can evaluate the amount of information that we have gained by knowing this why using this formula के x h of x. So x क्या है? It's the event. H is the entropy of that event. तो हमारे पास उस इवेंट की ओरिजिनल एंट्रोपी और अनसर्टेनिटी जितनी थी, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द एंट्रोपी ऑफ एक्स गिवन वाई. कि वाई के बारे में जब हमें पता चल गया तो तब एंट्रोपी की वैल्यू क्या आई. तो हमने क्या बात की कि वाई के बारे में, वाई के होने से अगर हमें एक्स के बारे में 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई कि आइदर एक्स इज 100% गोइंग टू बी प्रेजेंट और एक्स इज 100% गोइंग टू बी not present in this scenario. So both cases में अगर ये positive relationship है या negative relationship है with one probability. So in that case the entropy is going to give you a value of zero. ठीक है. And that means के हमारे पास यहाँ पे जो 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 drop है that is अच्छा ये आपके पास यहाँ पे एंट्रोपी आपके पास ये ज़ीरो आ जाएगा. तो आप जब इसे ज़ीरो माइनस करेंगे इस मैक्सिमम वैल्यू से तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की. मतलब एक चीज़ की एंट्रोपी जो थी वो वन पे थी और आपको स्ट्रेट अवे पता चल गया कि वो मसला उस वाई ने हल कर दिया. तो आपने गेन कितना किया? वन. अगर एंट्रोपी वन थी और इसके वाई के होने से यहाँ पे एंट्रोपी पे 0.3 का फ़र्क आया. So that is going to probability जो है entropy वो 0.3 आई. So the information that we have gained is going to be 0.7. के 0.7 मसला हल हो गया, 0.3 अभी भी रहता है तो शायद आपको z या कोई और factors पता चल जाए और उससे वो भी ख़त्म हो जाए. So it's always going to be evaluated using this formula. जिससे हमें अगर y completely independent है so in that case the entropy is going to be the same. यहाँ पे जो हमारे पास h of x की जो एंट्रोपी की वैल्यू थी, इफ y इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सो दिस h of x गिवन y इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द सेम वैल्यू. सब्ट्रैक्टिंग दैट वैल्यू फ्रॉम इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव यू जीरो एंड इन दैट केस यू हैव गेन्ड नथिंग. ठीक. प्रॉब्लम की जो अनसर्टेनिटी है वो उसी लेवल पे रह गई. द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गॉट इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट और उससे आपकी सर्टेनिटी पे या अनसर्टेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ये जैसे हमने बात की कि इट्स अ रिवर्सिबल सो हम वाई और एक्स की पोजीशन को अगर स्विच करें इट शुड नॉट इफेक्ट द वैल्यू. ठीक है. सो दिस इज अगेन फॉर अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ ईट्स एंड मीट्स के अगर हमें ईट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रिडिक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ मीट्स दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रिडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीट्स विद द हेल्प ऑफ ईट्स. सो अगर हम इनकी पोजीशन को स्विच करें दैट मीन्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. और ये जो हमारे पास इस साइड पे ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हाई देन प्रिडिक्टिंग द विद द हेल्प ऑफ ईट्स और प्रिडिक्टिंग ईट्स विद द हेल्प ऑफ द. ये दोनों आपस में, इट मींस के द और ईट्स जो हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं. हम द को आगे करें या ईट्स को आगे करें इट्स द सेम. सो दे आर इक्वल और सिंस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर तो इस वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी जो इन्फॉर्मेशन की गेन है दैट इज गोइंग टू बी अ मच स्मॉलर वैल्यू एज कम्पेयर टू द रिलेशनशिप बिटवीन ईट्स एंड मीट्स. सो दैट वाज अबाउट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन थ्योरी. हमने स्टार्ट लिया बेसिक अप्रोचेस से, देन वी यूज्ड एंट्रोपी एंड देन वी मूव्ड ऑन टू कंडीशनल एंट्रोपी. और यहाँ पे the last approach that we have got is the KL divergence which is again based on entropy. Lekin iska jo main jo usefulness hai there is to evaluate the similarity or the amount of information. Is case mein hamari jo hai divergence basically unke beech mein difference ko quantify karegi between two continuous events. So ye iska main jo objective hai there is to evaluate the compare the similarity between two continuous events. So this is the formula that we have got. So hamare paas abhi tak jitni bhi humne seedhe dekhi hain to evaluate the amount of information in them wo sari based the static
इवेंट्स के ऊपर कि एक मैसेज आ गया, अब हमने उसको एवेल्यूएट करना है, मतलब वी वर थिंकिंग ऑफ इट एज अ वन टाइम एक्टिविटी, और फिर अगला मैसेज आएगा तो अब हम उसकी जो यूजफुलनेस है उस पर क्वान्टिफाई करेंगे. बट वट इफ़ यू हैव अ वेरी लॉन्ग मैसेज, अ वेरी लॉन्ग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैवंट रिसीव्ड ऑल एट वंस, बल्कि वो पीसेज में हमारे पास आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से ट्वीट्स आफ्टर ट्वीट्स, हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है. वी डू नॉट वॉन्ट टू इवेल्यूएट वन ट्वीट एट अ टाइम, बट रादर वी वॉन्ट टू इवेल्यूएट देम ऑल एज अ सीक्वेंस और एज अ टाइम सीरीज इवेंट. तो उस केस में हम के एल डाइवर्जेंस यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, जिसमें हम आइदर एक मैसेज को न्यूमरेटर में रखें या दूसरे को रखें. इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बट दिस इज गोइंग टू गिव यू द डाइवर्जेंस और द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन. दो पैरेलल में दो स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही हैं, द मोर रेलेवेंस यू हैव बिटवीन देम, द मोर दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, द मोर डाइवर्जेंस दे हैव, द मोर दे कवर टू डिफरेंट ट्रैक्स एंड दे आर गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो आपस में डिफरेंट हैं. जितनी उनके बीच में डाइवर्जेंस कम होगी उतना वो एक चीज को ऊपर रिलेटेड होंगे एंड दे वुड बी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग वन अनदर. तो ये जो है दिस इज अगेन हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो इफ इन केस वी हैव द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एज एज कॉन्टीन्यूस इवेंट, एज टाइम सीरीज इवेंट कॉन्टीन्यूसली, जैसे लेट्स से कोई टेम्परेचर की वैल्यूज हैं, कोविड के इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनकी वैल्यू है जो कॉन्टीन्यूसली अपडेट हो रही है. सो इन दैट केस द इंफॉर्मेशन मे नॉट बी अ वन टाइम वैल्यू, बट इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्टीन्यूस वैल्यू based on some time series event. हम ये जो KL divergence के थ्रू जो दो sequence of events के बीच में जिसको P और Q हम यहाँ से उससे represent कर रहे हैं, उसके बीच में जो entropy निकाल रहे हैं, that is also called relative entropy which applies to continuous time series data. Lastly, this is again a very simple approach जो आप use कर सकते हैं is the amount of information that you have gained by dividing all the words that you have previously known or all the symbols or all the pieces of information, or numerator mein aap jo nayi piece of information hai aap wo rakhe, so that may also be used to evaluate. Again, this is also a very basic formula, not as good as the earlier ones that we discussed. Conditional entropy jo hai, that is going to be a lot better. लेकिन हम यहाँ से भी एक तरह से इस अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गेन. सो इफ वी हैव व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी, यहाँ पे ए जो है आप एज्यूम करें कि ए इज़ द पास्ट नॉलेज दैट वी हैव एंड बी इज़ समथिंग दैट वी हैव रिसीव्ड एट द मोमेंट. जितनी बी जो है वो ज़्यादा कॉमन होगा ए के साथ, उतनी जो है इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी हाई. ठीक है, और हम हाई को कहते हैं कि इसकी वैल्यू हाई होगी, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि हमारे लिए उसके अंदर इंफॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो कम होगी. यानी बी जितना ओवरलैप करेगा ए के साथ, जितना पास्ट एक्सपीरियंस पास्ट नॉलेज के साथ जितना रेलेवेंस इसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तो उतनी वो आपको पुरानी बात बता रहे, उतनी वो कोई नई चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर रहा. सो ऑल्दो दिस जेकार्ड सिमिलैरिटी इज़ गोइंग टू गिव यू अ हाई वैल्यू, लेकिन हम अभी तक जो कॉन्सेप्ट सारा देख रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज़ लो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो अगर हम जैकार्ड्स डिस्टेंस के ऊपर जाएं, सो दैट इज़ बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू फ्रॉम वन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल जैकार्ड्स डिस्टेंस, और ये वैल्यू हम ट्रस्ट कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड. सो इन दिस केस जितना आपके पास यहाँ पे ओवरलैप कम आएगा उतना वो आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा. So this is another approach of quantifying the amount of information that you have received in a month. ठीक है जी, जी सर. अच्छा, so this is what we have in today's lecture. अगर कोई questions हैं आपके तो बता दें. सर लास्ट वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर स्लेट पे अपलोडेड नहीं था, लास्ट वाला लेक्चर. अच्छा, स्लेट पे नहीं है. जी सर. ठीक है, वो मैं स्लेट पे उसको पिन डाल दूंगा. ठीक ठीक है सर. इसको ये सोशल नेटवर्क से कैसे रिलेट करेंगे एंट्रोपी को? ये देखिए, ये सारी कहानी जो है हम अभी तक जो बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन की,
तो इन्फॉर्मेशन डिफ्यूजन में हमने एक बात की कि एक मैसेज है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कैसे नेटवर्क के अंदर प्रोपेगेट करेगा। तो हम उसके सोशल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि लोग किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, और उससे हमें ये पता चलेगा कि ये कैसे प्रोपेगेट करेगा, कितना लेवल तक ग्रो करेगा, कौन से लोग या कितने लोग इससे इफेक्ट होंगे। तो हम उसमें इंटरेस्टेड थे। यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो ये है कि जो कंटेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी चीज़ बेस करती है। मतलब अगर किसी ने कोई चीज़ पोस्ट की है, सो हाउ मच इंफॉर्मेशन इट हैज़ गॉट, उसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है, उससे भी इफेक्ट होगा कि वो कितना प्रोपेगेट करेगा, कितने लोगों तक जाएगा, कौन उसके साथ सोशली इंटरेक्ट करेंगे। सो अभी तक हम जितना जितना काम कर रहे थे वो हम स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द मैसेज इज़। यहाँ पे हम उस मैसेज की वैल्यू जो है उसमें इंटरेस्टेड हैं कि अगर एक ही बंदा दो मैसेजेस शेयर करें, एक शायद ज़्यादा डिफ्यूज़ करे, ज़्यादा दूर तक जाए, दूसरा शायद इतना ना करे। सो दैट मीन्स के इफ़ द सेम पर्सन इज़ शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ द सेम। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ द सेम, लेकिन सॉरी द अमाउंट, द पर्सन जो उसको प्रोपिगेट कर रहा है उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर तो एक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट द पर्सन हैज़ गॉट इन दैट मैसेज, के जिससे एक मैसेज ज़्यादा प्रोपिगेट करता है और दूसरा नहीं करता। ठीक है सर, मतलब वो जो हैशटैग्स यूज करते हैं सर? नहीं, हैशटैग्स की हम बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि वो मैसेज के अंदर, जैसे किसी ने कोई ट्वीट किया है तो उस ट्वीट के अंदर इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है। सर तो जो उसमें हम मतलब लिंक्डइन में जो हैशटैग्स यूज करते हैं हाँ, वो ज्यादा प्रोपेगेट करता है। देखें वो तो जस्ट काउंट के ऊपर काम करता है ना, कि ये जितना हैशटैग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होगा उतना वो उसको ऊपर ले जाते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यस सर, यहाँ पे हम सिंपल काउंट के ऊपर नहीं जा रहे, हम उसके अंदर वो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर यहाँ पे कोई मैसेज आ जाए कि आपको कोई बता दे कि कल से जो है फिर से 2 महीने के लिए क्लासेस ख़त्म हो रही हैं, तो ये मैसेज शायद 5 लोग शेयर करें, तो हम वो उस वैल्यू उस पे नहीं जा रहे कि सोशली लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन की जो कंटेंट है उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी जितनी ये ऑब्वियस बात करेगा, जितनी एक कॉमनली नोन बात करेगा उतनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम होगी, जितनी ये एक अनसर्टेन चीज़ की बात करेगा उसके अंदर उतनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा, ये हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग वाइल, ठीक है, कि लोग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर आपको एक इंफॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो अर्लियर स्टेजेस पे पता चल जाए, किसी ने कोई ट्वीट किया और आपने पहले 5 मिनट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू को एवेल्यूएट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि अगले 5 दिन में, अगले 2 हफ्तों में वो किस तरह से डिफ्यूज़ करेगा। तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल। अगर आप इंफॉर्मेशन के जो कंटेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन की वैल्यू अगर आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, सो दैट मींस कि आप पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस नेटवर्क के अंदर किस तरह से प्रोपेगेट करेगा। यस सर। अच्छा देखें, नेटवर्क ये नेटवर्क एनालिसिस की जितनी भी स्टडीज़ हैं उसको अगर आप देखें तो मेन जो अप्रोचेस यूज़ हुए हैं उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो उसी के ऊपर सारी चीज़ बेस करती है। पहली चीज़ ये है कि कंटेंट क्या है, जो इंफॉर्मेशन जो मैसेज शेयर हुआ है उस मैसेज का कंटेंट क्या है, ठीक हो गया। दूसरा जो जो चीज़ काउंट करेगी, अच्छा आप हर अगर आप इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप एक ही प्रॉब्लम के ऊपर टच नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए आप किसी एक या दो के ऊपर ही टच करेंगे, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो पहली चीज़ तो ये कि आप कंटेंट के अंदर अगर देख रहे हैं कि कंटेंट के अंदर इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है, दिस इज़ वन वे ऑफ एनालिसिस के नेटवर्क के अंदर ये न्यूज़ जो है कैसे प्रोपेगेट करेगी। दूसरी चीज़ क्या है, द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट नेटवर्क, कि जो बंदा ये न्यूज़ शेयर कर रहा है उसके नेटवर्क का स्टैटिक स्ट्रक्चर क्या है। स्टैटिक स्ट्रक्चर ये है कि उसके अपने फॉलोअर्स कितने हैं, तो उनके फॉलोअर्स कितने हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़न्ट गोइंग टू चेंज वेरी ऑफन, ये वैल्यू ज़रा स्टेबल रहती है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हैं। अगर कोई लेस पॉपुलर बंदा जिसकी कम फॉलोइंग है वो भी मैसेज शेयर करेगा, तो इट्स ऑब्वियस के नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से उसको इतनी एक्सपोजर उसको नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग इज़ द सोशल इंटरेक्शन,
ठीक है, सोशल इंटरेक्शन ये है कि जितने लोग उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतनी वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो मे बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन शेयर्स अ मैसेज हु हैज़ गॉट अ वेरी वेल स्प्रेड आउट नेटवर्क, लेकिन लोग उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स ना करें, तो बहुत जल्दी वो चीज़ ड्राई आउट कर जाएगी। तो द थर्ड थिंग इज़ सोशल इंटरेक्शन, के लोग किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और फिर सोशल इंटरेक्शन के साथ हमारा जो फोर्थ एसोसिएटेड पार्ट आ जाता है, दैट इज़ द टाइम फैक्टर, के लोग जो सोशली इंटरेक्ट करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट ऑल एट द सेम टाइम। वो चीज़ एक सिक्वेंशियल तरीके से होगी। कुछ लोग कमेंट करेंगे, अगले दिन पे कुछ और कमेंट करेंगे, उसे अगले दिन कुछ लोग उसको शेयर करेंगे। सो सोशल इंटरेक्शन इज़ अ टाइम बेस्ड इवेंट। तो इस वजह से हम जब इस तरह की जब हम सोशल इंटरेक्शन को कंसिडर करेंगे, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसिडर द टाइम फैक्टर। और फिर ये पूरा प्रॉब्लम जो है ये एक डायनेमिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम डिफरेंट टाइम टाइम स्टेट्स के अंदर उसको उसकी फ्लो को एवेल्यूएट करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। अब आपने फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया में आइडेंटिफाई करना है, आपने फेक आपने बुलियंग को आइडेंटिफाई करना है सोशल नेटवर्क के अंदर, किसी और साइबर क्राइम को आइडेंटिफाई करना है, किसी और लेट से किसी यूजफुल इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। सब के लिए आपके जो अप्रोच के जो डायमेंशन होंगे वो यही होंगे, कॉन्टेंट किस तरह का है, सोशल जो है स्ट्रक्चर किस तरह का है, और इंटरेक्शन किस तरह की है। और इंटरेक्शन के साथ जैसे मैंने बताया कि टाइम फैक्टर जो है ये चीज़ जो है ये टाइम सीरीज डेटा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी सर, ये वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन का अंदाजा हम ये एंट्रोपी से करते हैं। जितना अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उतने ही वो प्रोपेगेट ज़्यादा करेगा, उतने ही हमारे लिए वो अहम होगा। एग्जैक्टली हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम नेटवर्क स्ट्रक्चर को एक साइड पे कर देंगे, ये बंदा कितना पॉपुलर है, इसका कितना फॉलोइंग है, हम अगर इसको भी साइड पे कर दें कि लोग टाइम कितने टाइम के बाद कितना इंटरेक्ट करेंगे इसके साथ, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करें, तो हम यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कॉन्टेंट के अंदर इंफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है। और ये चीज़ इसलिए बहुत हेल्पफुल है कि बाकी चीज़ें जो हैं, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वो आपको एक टाइम के बाद कुछ आइडिया होगा कि ये किस तरह से डिफ्यूज, यानी डिफ्यूजन इज़ अ पैटर्न। तो पैटर्न के लिए थोड़ा सा आप उसको चलने देंगे कि अच्छा पहले 5 दिनों में लोगों ने इसके साथ ऐसे इंटरेक्ट किया, तो शायद अगले महीने में इस तरह से करें। तो डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस दैट नीड्स सम इंफॉर्मेशन। कुछ दिनों के लिए आप वेट करेंगे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फिर आपके पास डेटा होगा हिस्टोरिक के अब ये पैटर्न आगे कैसे जा सकता है। लेकिन जो आप इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट करते हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी मच ऑन द स्पॉट। और इस तरह से इवन बिफोर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टार्ट, आप पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ किस तरह से लोग इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको कितनी वैल्यू देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और ये इसमें हमने ये जो बात की बैकग्राउंड नॉलेज की, तो बैकग्राउंड नॉलेज आपका पास डेटा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने आपका मसला आज ये है कि कल बारिश होगी कि नहीं, so this is the problem that you are having and someone has tweeted that tomorrow is going to be Thursday, so how helpful it is to predict ke kal barish hogi ke nahi, so you would look into all the past days aur aapko roughly milega ke sab dinon pe barish hone ke chances almost equal hain, so in that case you have found out ke ye jo information currently is problem ke bare mein share hui hai iske aapas mein koi relevance nahi hai, this is completely irrelevant aur aapki entropy pe koi fark nahi pada। कल को थोड़ी देर के बाद किसी और ने मैसेज किया कि द टेम्परेचर इज़ लाइक रिड्यूसिंग, इट्स मोर ह्यूमिड, सो सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल टूवर्ड्स द टारगेट प्रॉब्लम, सम आर गोइंग टू बी नॉट हेल्प, और उसकी बेस पे आपका आपकी जो एंट्रॉपी है वो कम होगी। ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज आइदर गोइंग टू रिजल्ट इन अ ड्रॉप इन एंट्रॉपी और इज गोइंग टू रिमेन कीप इट एट द सेम लेवल। यस सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी के? नो सर। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, ओके थैंक यू, ये मैं अपलोड कर दूंगा इधर। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर, जी वाला अल्लाह हाफिज़।